Hello students, today we will discuss the third chapter of your English grammar textbook, that's name is sentences. So first of all we will understand what is sentence. So now listen to me carefully. Sentences are the group of words that are arranged in a such manner that it gives us a complete sense. It means if we arrange a group of words in such a manner that it gives us a sense, then it will be called a sentence. The most necessary part of the sentence will be it must have a subject and it must have a subject and a verb. Means इसके पास एक subject होना चाहिए, एक verb होना चाहिए. और अगर हम किसी भी group of words को क्या कर दें, एक proper order में या इस तरीके से उसको हम arrange करें कि हमें complete sense दे, एक sense दे, और उस sentence में क्या हो, एक subject हो, एक verb हो, तो वो सेंटेंस, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, वो सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड ले लिया इज बुक अ सॉरी Is book a this? So ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है. ठीक है, is book a this, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. बट इसको जब हम रीड करेंगे तो इसका कोई कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिलेगा, कोई सेंस नहीं मिलेगा. इज बुक अ दिस, तो समझ में आ रहा है कि क्या है, कि ये किसी ऑर्डर में नहीं है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. जैसे है एक है किताब एक यह, तो ठीक है ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. जनरली हमारा क्या होगा, यह एक किताब है. ठीक है, यह एक पुस्तक है, यह किताब है. ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जब हम इसी को एक प्रॉपर ऑर्डर में एक सीक्वेंस में कि ये हमें इस टाइप का सेंस दे कि यह एक किताब है या एक पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस हो जाएगा. सो फर्स्ट थिंग हम इसे अरेंज करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में. तो सबसे पहला क्या बनेगा, अभी मैंने बोला था इज बुक अ दिस, तो उसको क्या बनाएंगे, दिस इज अ बुक As given in your book, okay? जैसे आपके example में दे रखा है ये वाला example, इसी को मैंने pick किया है. This is a book, clear? तो जब हम उसे देखिए उसी group of words को पहले जब लिखा था is book a this, तो वो हमको एक complete sense नहीं दे रहा था, हमको sense नहीं दे रहा था. But यहाँ पर जैसे मैंने इसको proper order में कर दिया, this is a book कर दिया, ये हमको एक sense देने लगा. ठीक है, now one thing, अभी आपको सेंटेंसेस में समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग आप समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे. ठीक, मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट, अब वो पर्सन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जैसे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, और नाउन में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकता है, टू हो सकता है. ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ बुक हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अ बुक के बारे में, एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक किताब के बारे में. तो हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ बुक, दिस इज अ बुक. ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुक के बारे में. ठीक है, नॉन लिसन, उसके बाद एक वर्ब आएगा इज. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो जाती है कि हमेशा जैसे कहा जाता है कि सब्जेक्ट हमेशा बिगनिंग में आएगा. सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा, बिगनिंग में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा. तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, दिस इज़ अ बुक, इस एग्जांपल में देखें
तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, दिस, यहाँ किसके लिए? लेकिन ये जो इंडिकेशन है, ये जो इंडिकेशन है ये किसके लिए? इस बुक के लिए है, ठीक है, ये जो इंडिकेशन है इस बुक के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि ये बुक ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है, और इज हमारा वर्ब हो जाएगा, इज हमारा वर्ब हो जाएगा। अब वर्ब भी मैंने दो टाइप के बताए हैं, ठीक है, वर्ब भी मैंने दो टाइप के बताए हैं। पहला पहला जो होगा वो इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसे कुछ होगा, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, ये सब हमारे वर्ब हो जाएंगे अगर वो सेंटेंस में अकेले आए हैं तो, ठीक है। तो ये तो वर्ब होते ही हैं, प्लस एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे वर्ब ऑफ द सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड मतलब प्ले, सिंग, डांस, बाथ, स्विम, ओके, ये सब के सब क्या हैं, हमारे एक्शन वर्ड हैं, ठीक। और इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब या समटाइम्स ये हमारे मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, क्लियर। जैसे दिस इज़ अ बुक में इज़ क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब की तरह इंट्रोडक्टरी है, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्टरी है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेगा। दिस इज़ अ हाउस, समझ में आ गया, तो दिस इज़ अ हाउस में इज़ क्या हो गया, तो अब यहाँ पर अ हाउस क्या हो गया, अ हाउस हमारा सिंपल सा एक सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अब इस सेंटेंस में थोड़ा डिफर कर जाएगा। जैसे यहाँ पर सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, इस केस में क्या हो जाएगा, इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट जो होगा वो सी होगा, क्यों, क्योंकि हम अब यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, उसको, अब हम किसके बारे में बताएं कि वह लड़की है, वह एक लड़की है, तो सी इज़ अ गर्ल, तो हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, सी, ही इज़ अ बॉय, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, ही। यहाँ पर दिस क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ये इंडिकेट किए जाते हैं, तो इस वजह से ये एक तरफ से डिटरमाइनर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप जानते होंगे, डेमोन्स्ट्रेट करने की बात होती है, आप नहीं जानते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ भी बताया होगा, तो उस दिस, दैट, दीज, दोज में ये यूज़ में हम क्या करते हैं, दिस का यूज़ क्या करते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि कोई चीज़ दूर में है या पास में है कोई चीज़, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जैसे दिस और दैट का यूज़ करते हैं, दिस किसके लिए यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें पास के लिए होती हैं, पास में हो और सिंगुलर हो, और दैट का भी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दूर हो और सिंगुलर हो, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पर ये इंडिकेट करने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते। बट सी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, ये इंडिकेट करने का काम नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी एक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होने से ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाते हैं, क्लियर। नाउ लिसन, अब हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस पार्ट पढ़ रहे हैं, सेंटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, दिस इज अ स्नैक, दिस इज अ काइट, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्नैक या काइट हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। तो व्हाट डू यू नोटिस, अ सेंटेंस हैज़ मोर देन वन वर्ड, इट हैज़ आल्सो कम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। अभी वो सिंपल सा जो मैंने बोला कि एक से ज़्यादा वर्ड होंगे उसमें, और एक से ज़्यादा क्या, दो से ज़्यादा वर्ड होंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब, केवल सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर तो सेंटेंस बन नहीं सकता, इसलिए उसमें कुछ कम्प्लीमेंट्री पार्ट भी ज़रूरी है, ठीक है, तो प्रेडिकेट भी ज़रूरी है। जैसे सी तो सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा वर्ब हो गया, अ गर्ल हमारा कम्प्लीमेंट्री पार्ट हो गया, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारा वर्ब हो गया, अब वाय क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री पार्ट हो गया, तो ही इज़ बस कह देना से मतलब कम्प्लीट सेंटेंस होगा नहीं, तो क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो ये अब वाय क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है, तो हम सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी वर्ड आएंगे, जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड आएंगे, सब के सब प्रेडिकेट होंगे। जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय में ही क्या है, सब्जेक्ट, इसको छोड़ करके इज़ अ बॉय क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सी इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल में सी क्या है, सब्जेक्ट, इज़ अ गर्ल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे दिस इज़ अ काइट को छोड़ करके बाकी दिस इज़ क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, सिंपल। तो क्या हो जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ड आएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे, क्लियर ना। अब आप कैसे करेंगे कि किसी वर्ड को आप किसी सेंटेंस को अरेंज करेंगे और उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया होगा उसको बोलेगा कि एक
करेक्ट फॉर्म में अरेंज कीजिए और उसके एक सेंटेंस का फॉर्म दीजिए। जैसे पहले वाले में दे रखा है इट अ इज टेबल, तो हम क्या करेंगे इज और अ को इंटरचेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ, क्योंकि क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ टेबल सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, तो इट के बाद हमारा क्या आएगा वर्ब आएगा। इट इज़ अ फ्लावर, इट के बाद क्या आएगा इज आएगा, क्यों, क्योंकि इट के बाद जैसे ही हम इट बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया, इट के तुरंत बाद हमारा क्या आना चाहिए वर्ब आना चाहिए, तो इसलिए हमको क्या सबसे पहले हमको वर्ब देखना है, तो इट पहले सब्जेक्ट देखेंगे फिर वर्ब देखेंगे। तो याद रखिए जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर उसके बाद तुरंत बाद वर्ब लिखेंगे, देन अदर थिंग्स हम उसमें नोट करेंगे करेक्ट फॉर्म में। ऐसे इज अ वूमेन सी, तो इसमें क्या हो जाएगा सी हमारा सबसे पहले लिखा जाएगा, सी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब में क्या आएगा इज आएगा, इसके बाद क्या आना चाहिए अ वूमेन, ठीक है। तो सी पहले लिखेंगे सी इज अ वूमेन, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा और इज़ उसके तुरंत बाद आएगा, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, तो ही के तुरंत बाद क्या आना चाहिए वर्ब आना चाहिए इज़ आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिस इज़ अ बर्ड इज़ दिस बर्ड इज़ अ दिस बर्ड, तो दिस हमारा क्या हो गया दिस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बिगनिंग में लिखेंगे इसको, दिस बिगनिंग में लिखेंगे और दिस के तुरंत बाद क्या आना चाहिए इज आना चाहिए, इसके तुरंत बाद अवर्ड आना चाहिए, मतलब जो उसका कम्प्लीमेंट्री हो जाए, ठीक है, जो उसका कम्प्लीमेंट्री हो जाए, जो उसको कम्प्लीट कर दे सेंटेंस दे दे। इज़ इट अ स्मॉल टाइगर, तो इसमें क्या हो जाएगा इट पहले आएगा और इट के तुरंत बाद क्या आना चाहिए इज आना चाहिए और स्मॉल टाइगर बाद में, क्लियर। तो इसी तरह हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। फिर सेकंड सेंटेंस दे रखा है यहाँ पर, कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं एग्जाम, इसको अरेंज किया गया है, इसको अरेंज करिए किसी एक फॉर्म में और बताइए कि सेंटेंस क्या बन सकता है। जैसे सी अब गर्ल है तो इज लगाएंगे अ लगाएंगे, अब गर्ल है तो गर्ल लगा देंगे, ही इज लगाएंगे इसके साथ अ लगाएंगे बॉय हो जाएगा, आई एम अ बॉय आई एम अ गर्ल, चारों हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस हो गया ये। फिर उसके बाद रीअरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, फिर सेम थिंग वही माय ब्रदर इज दिस, तो दिस इज माय ब्रदर। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले जैसे ही दिस दैट दिखे ना तो सबसे पहले आप उसको शुरू स्टार्टिंग में लगा दीजिए दिस, उसके तुरंत बाद आप ढूंढेंगे इज लगा है तो इज, फिर देखेंगे अब आपको पॉसेसिव प्रोनाउन टाइप के दिए हैं क्या, तो माई दिया है तो माई, अब देखेंगे माई उसके बाद क्या दिया हुआ तो ब्रदर, तो दिस इज़ माई ब्रदर, ठीक है। उसी तरह इज़ माई सिस्टर दिस, इज़ माई सिस्टर दिस, तो आपको सबसे पहले क्या करना है दिस, फिर उसके बाद इज़, फिर पॉसेसिव प्रोनाउन माई, देन आफ्टर सिस्टर, फिर माई मदर इज़ दिस, तो फिर दिस, फिर उसके बाद इज़, फिर इसका पॉसेसिव प्रोनाउन माई और उसके बाद मदर, तो दिस इज़ माई मदर। इज़ माई फादर दिस, तो क्या होगा इसका दिस इज़ माई फादर, क्लियर। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और सेंटेंस अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए सेंटेंस में, अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन फिर से बताऊंगा आपको, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।